एक बच्चा है बालकोनी से वीडियो देख रहा है और ये जो है पूरा शॉर्ट देखेगा वीडियो कैसे बनती है ना। चलो कुछ आइटम्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये ब्रास के वो आइटम हैं जो मैंने सेल करे थे जब मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट करा था, रेडिफ से, फिर ईबे से, फिर अमेज़ोन से, फिर स्नैपडील से। धीरे धीरे हर एक मार्केट प्लेस पर मैं बिज़नेस करता चला गया। ये कलेक्टिव आइटम्स हैं, इन्हें हम कलेक्टिव आइटम्स बोलते हैं, शो पीस आइटम्स बोल लीजिए। ये वो आइटम्स हैं जो आपको जो है मतलब इसके कस्टमर्स यूनिक होते हैं पहली बात, और ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे प्राइस में बिकते हैं। मैंने बेचे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पहले प्रोडक्ट। देखिए ये इस तरीके से बॉक्स में आते थे और ये कैटल सेट बोलते थे हम इसको। हमने ये कैटल निकाला, ये देखिए इसके साथ ये कप्स भी हैं सारे के सारे। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ पूरा, ये एक्चुअली में दिखता कैसे था। ये मेरी पुरानी यादें हैं कुछ, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमने रख दिया इस तरीके से, और ये इस तरीके से हर एक कप सेट हो जाता था। उसके ऊपर हमने ये कैटल रख दी, ये कैटल टी के लिए होगी, ये हमने इस तरीके से रख दी। तो ये बहुत अच्छा आइटम लगता था और बहुत अच्छे प्राइसिंग पे सेल होता था। सपोज़ ये मुझे जो होलसेल रेट में पड़ा है, ये मुझे पड़ा है होलसेल में 200 रुपये, 150 रुपये, इस तरीके से पड़ता था। और जो इसकी सेल होती थी वो होती थी 700, 800, डिपेंडिंग अपॉन दी मतलब मार्केट प्लेस, कि आप ईबे पे सेल कर रहे हैं, स्नैपडील पे कर रहे हैं, या फिर रेडिफ पे बेच रहे हैं। कस्टमर यूनिक होते थे, अच्छा बिकता था और बहुत कम कंपटीशन था। लेकिन आज के टाइम पे इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है। बेचने में दिक्कत क्या हो रही है कि हम इसको सेल कर रहे हैं 800 का, जो हम प्राइसिंग पे बेच रहे थे, अच्छा मार्जिन अर्न कर रहे थे, लेकिन इसमें जब दूसरे सेलर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं कि इसका मार्जिन इतना कम कर देते हैं कि ये प्राइस एक्चुअली में जितने का है उतने का ही ये जो है बिकता है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको रखा है, फिलहाल मैंने इसको बेचना बंद कर दिया। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत सेल किया, अच्छा सेल हुआ, लेकिन अब मैं जो हूँ ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन जिसमें ज़्यादा हो रहा है उस कैटेगरी में मैं सेल करने लगा हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए स्नैपडील की इनके साइज़ की पॉली, अब ये ईबे की, ये इनके साइज़ की पॉली इसी में बैग में है। तो देखिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, दो चैलेंजेस हैं इसमें। सबसे पहले शिपिंग को देखिए, जैसे ये मेरा फाइनल बॉक्स है, फिनिशिंग के साथ आया है, लेकिन जब ये शिपिंग के बाद आता है, कस्टमर के रिसीव नहीं करता कस्टमर या डिलीवर नहीं होता, तो ये इस तरीके से आ जाता है, यानी कि ये शिपिंग में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो पहली तो आपको एक ये चीज़ सेफ रखनी है कि आपका ये बॉक्स डैमेज ना हो, इसको आपको चैलेंज को फेस करना है। सेकंड ये है कि जैसे ये आइटम है, मैंने ये फ़ोटोशूट करके अच्छे से वेबसाइट पे सजा दिया है, मतलब वेबसाइट पे दिखा दिया है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। अब यही दूसरा सेलर आता है, इसको मैं 800 में बेच रहा हूँ, वो 600 में, फिर मैं उसको और कम करूँगा, वो और कम करेगा, तो अल्टीमेटली इसका प्राइसिंग जो है, जो कॉस्ट प्राइस है, उस प्राइस पे ये बिकने लगता है। तो कहने का मतलब ये कि इसको आप कितनी क्रिएटिविटी के साथ बेचेंगे इस प्रोडक्ट को, ये आपको सोचना है। अब मैं कुछ और आइटम्स आपको दिखाता हूँ ब्रास के, लिए कुछ कलेक्टिव आइटम्स और भी थे मेरे पास। ये देखिए, ये हम इसको बोलते थे पेन सेट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखिए, देखिए ये चैलेंजेस आते हैं इसके, जो ये है स्पून, ये मुड़ गया है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस है कि इसको आपको कैसे सेव रखना है कि ये आपके कस्टमर्स तक इजीली जैसा है वैसे, जैसा आपने दिखाया वैसे ही पहुँचे हैं। कुछ और मैं आइटम दिखाता हूँ, देखिए ये बाउल, इसे हम ये फ्रूट बाउल बोलते हैं, इसका ये भी अच्छा चलता है। और आयरन, ये देखिए बच्चों का ये कलेक्टिव आइटम्स हो गया आयरन। और इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ फ़ैन, देखिए ये फ़ैन स्टैंडिंग फ़ैन हो गया, और मतलब इसको आप चार्जिंग के थ्रू, यहाँ पे नोकिया का चार्जर लगता था, ये पिन दे रखी थी, इस पिन में आप लगाएंगे और ऑन करेंगे ये चलेगा। तो ये सब आइटम्स हैं, और यहाँ पे मैं आपको दो बातें बोलूँगा कि दो चैलेंजेस हैं यहाँ पे। सबसे पहला है शिपिंग को लेके, कि आप इन प्रोडक्ट की शिपिंग कैसे करते हैं, और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आप इस प्रोडक्ट को क्रिएटिविटी के साथ कैसे सेल आउट करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉपी होने वाले हैं और ईजिली कोई ना कोई आपको दिखेगा इन प्रोडक्ट को कम मार्जिन पे सेल करने के लिए।
तो आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी आपको कि किस तरीके से आप इसको क्रिएटिव करके सेल कर सकते हैं अच्छे प्राइस में।